मजबूत निर्यात मांग और दक्षिण अमेरिका में मौसम की चिंताओं के बावजूद शिकागो सोयाबीन वायदा की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ग्लोबल सोयाबीन एंडिंग स्टॉक्स के अपने अनुमान को दरअसल बढ़ा दिया है। शीर्ष उत्पादक अर्जेंटीना में उच्च निर्यात मांग और शुष्क मौसम की स्थिति के चलते सोयाबीन उत्पादन में गिरावट आंकी गई थी, लेकिन हाल ही की बारिश दक्षिण अमेरिकी फसल की मदद कर सकती है। दूसरी ओर सोमवार को मलेशिया तेल वायदा में भी गिरावट के साथ कारोबार होता दिखाई दिया। ऐसे में अब स्थानीय खाद्य तेल के हाजिर बाजारों में नरमी से सप्ताह की शुरुआत होने की उम्मीद की जा रही थी और वो देखने को भी मिली। ब्यूनस ऑयर्स ग्रेन एक्सचेंज के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय तक सूखे के प्रभाव के कारण 2022-23 सोयाबीन के लिए अर्जेंटीना के अनुमानित क्षेत्र में कटौती की जा सकती है। बेलारूस ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को कहा है कि लिथुआनियाई बंदरगाहों से निर्यात के लिए अपने क्षेत्र के माध्यम से यूक्रेनी अनाज के पारगमन को बिना किसी पूर्व शर्त से स्वीकार करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने रविवार को रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ काला सागर अनाज निर्यात समझौते पर चर्चा भी की है, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसे बदलाव चाहते हैं जो उनके निर्यात को बढ़ावा दे। दूसरी ओर दिसंबर के पहले 10 दिनों के लिए खाद्य तेलों में पाम तेल निर्यात के आंकड़े मजबूत देखने को मिले। वहीं प्रतिद्वंदी सोया और अन्य तेलों में कमजोरी को देखते हुए सोमवार को मलेशियाई पाम तेल वायदा गिर गया। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर भी फरवरी डिलीवरी के लिए पाम ऑयल अनुबंध शुरुआती कारोबार में 4.5% गिरकर 3815 रिंगित प्रति टन पर पहुंच गया था। अमेरिका से सोया वायदा और मलेशिया पाम तेल में गिरावट से अब सोमवार को देश और इंदौर के तेल बाजार में भी नरमी देखने को मिली। दरअसल दो दिन में भारतीय बाजारों में शादी ब्याह के मुहूर्त भी एक महीने के लिए स्थगित हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि खाद्य तेलों के मांग कम होती दिखाई देगी और कीमतों में भी गिरावट बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।